नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि अगर पुलिस स्टेशन में कोई मामला हो, कोई एफआईआर हो, तो उसकी जानकारी उस केस का आईओ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो जांच अधिकारी होते हैं, वो या फिर वहां के थानेदार पीआई, वो देने से इनकार कर दे, मना कर दे। वो बोल दे कि हम नहीं दे सकते, एसपी के पास जाइए, एसपी ऑफिस में जाइए, वहां से ले लीजिए। वो लेकिन ऐसा हुआ है, पुलिस स्टेशन कनान अंतर्गत साई नगरी लेआउट, जिसमें धोखाधड़ी, सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, करोड़ों का यह मामला, और इसमें शेंद्रे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। और संबंधित, जब हमने पुलिस स्टेशन कन्हान में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो वहां पे कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं था। और अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कोई भी इस संबंध में बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर जांच किस तरीके से करेंगे? अपने आप में एक सवाल उठता है। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं साई नगरी। दोस्तों, मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, जिसमें लिखा है श्री साई नगरी प्लॉट्स। श्री साई नगरी के ये ठीक बगल में ये लेआउट है। और इससे पहले बीसीएन ने एक न्यूज़ दिखाया, खबर बताया, जिसमें साफ तौर पे ये देखने को मिला कि किस तरीके से 104 प्लॉट की जगह 149 प्लॉट यहाँ पे प्लॉट किया गया, और सैकड़ों लोगों के साथ में धोखाधड़ी की गई, उनके साथ में उनको फंसाया गया और इस तरीके का काम किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी अजय बाबूलाल शेंद्रे, अविनाश बाबूलाल शेंद्रे और सुमन बाबूलाल शेंद्रे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इनका एक पॉलिटिकल पहले से कंसर्न रहा है, कॉन्टैक्ट रहा है। इनकी वाइफ ज्योति शेंद्रे सरपंच रह चुकी है इसी कांदरे गांव की। अब इस मामले में जो आगे की जो चीज़ें हैं, सबके मन में ये है कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस पर आने वाले समय में ज्योति अजय शेंद्रे, अविनाश चंद्रे और सुमन चंद्रे पे क्या कार्रवाई होने वाली। यहाँ पे सैकड़ों लोग रहते हैं, सैकड़ों लोगों ने जमीन खरीद कर रखा है, और सबके मन में यही है कि किस तरीके से उनके साथ में धोखाधड़ी की गई है, उसमें उनको न्याय चाहिए। बाकी कोई उम्मीदें नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों, लेकिन कम से कम न्याय मिले। न्याय मांगना, न्याय की उम्मीद रखना सबकी हक है। लेकिन जब इस संबंधित हमने कन्हान पुलिस स्टेशन गए, और जब वहां जाके जो एफआईआर पे जो आईओ का नाम लिखा गया है, पराग पुलजले, जो एपीआई है यहाँ के, उनसे जब हमने बातचीत की, तो वो बातचीत में ओरल मौखिक जो बातचीत हुई, उसमें वो ठीक तरीके से हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए ठीक से हमें दिखाई नहीं दिए। इसके बाद जब हमने कहा कि ठीक है, काम कीजिए, आप इस जानकारी को हमारे वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके की जांच चल रही है, तो देने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद यहाँ के जो पीआई है प्रमोद मकेश्वर, थानेदार साहब को हमने फ़ोन किया, थानेदार मीटिंग में हूँ, व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर हमने कहा कि अगर आप व्यस्त हैं तो यहाँ के जो आईओ हैं इस केस के, उनसे बात करवा दीजिए, वो जानकारी दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया, उल्टा वो तीव्र हो गए, आवेश में आ गए, चिढ़ गए कि हम नहीं देते, हमको ये सब नहीं देना है, हमको ये नहीं है, कानून में ऐसा नहीं है, कानून में ऐसा नहीं, कानून की किताबें पढ़ाने का हो सकता है, मकेश्वर साहब कानून की किताबें आप ज्यादा पढ़े होंगे, लेकिन सैकड़ों लोग जहां जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, वो भी तो किसी न किसी कानून पे ही, अपने भारतीय कानून पे ही वो लोग विश्वास रखते हैं, तो क्या इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी रखना, लोगों को बताना कि क्या आईओ क्या जांच कर रही है या नहीं कर रही है, इस पे जब बात करने की बात आती है, तो फिर चिढ़ने वाली बात या फिर इस तरीके से जो रवैया हो जाता है पुलिस का, अपने आप में एक बड़ा प्रश्न उठता है। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से शेंद्रे परिवार के ऊपर, शेंद्रे बंधुओं के ऊपर में अगर कोई प्रश्न करे तो इस तरीके से कोई जवाब दे? इससे पहले भी कई थानेदार आए, कई गए, उन्होंने हर केस के बारे में वीडियो में आकर के, सामने आकर के, मीडिया को आकर के जवाब दिया है। लेकिन शेंद्रे केस में ही आखिर पुलिस वालों के बोल क्यों बदल जाते हैं, आवाज़ क्यों चेंज हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। उनका कहना है कि एसपी ऑफिस में जाइए, वहाँ से बातचीत। सवाल ये उठता है कि आईओ यहाँ पे बैठे हैं, घटना यहाँ पे हुई है, फसमनूक लोगों के साथ में धोखाधड़ी यहाँ पे हुई है, एसपी ऑफिस 25-30 किलोमीटर दूर बैठे लोग क्या वहां से देख रहे हैं? फिर आईओ क्या कर रहा है? आईओ क्यों जानकारी नहीं दे सकता है? पीआई इस पे जानकारी देने के लिए इस तरीके से भड़क क्यों गए? अपने आप में एक बड़ा प्रश्न निर्माण हो रहा है। हम इस संबंधित हर खुलासे और इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ। मैं वीर सिंह, इन बीसीएन न्यूज़।